सिंगरौली जिले सहित प्रदेश भर में पिछले दिनों हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ पांडे ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का यह कहना कि महंगाई बढ़ रही है ये हास्यास्पद है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके नेता इस तरह की बेबुनियाद बयानबाजी करते हैं। वहीं धान के रेट 3100 रुपए क्विंटल नहीं दिए जाने को लेकर वशिष्ठ पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार धीरे धीरे सभी घोषणाएं पूरी कर रही है। अगर जनता असंतोष होती तो 29 में से 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में नहीं आती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, जो अंतिम समय में सिर्फ हाथ ही बचा है। कांग्रेस के पास वोट तो है ही नहीं। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आज लेबर वर्ग भी मोटरसाइकिल से और 40,000 का मोबाइल लेकर चलता है। यह बेरोजगारी और कमजोरी होता तो उनके पास मोटरसाइकिल और 40,000 का मोबाइल कैसे होता। रही बात किसानों की बात है तो जनता ने बता दिया कि हमें भाजपा से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जो 29 सीट लोकसभा की थी, सारी का सारी सीट भाजपा के झोली में डाला और कांग्रेस के हाथ में मात्र हाथ ही बचा और कुछ नहीं बचा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।